तो देखिए, आप लोग का बताया जा रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल का। मानव भूगोल में जो बताए थे आप लोग का ज्योग्राफी जो है, जिससे मानव भूगोल में और कुछ क्वेश्चन हम लोग को लिखाए थे, एक अपने आप बनाना पड़ेगा। और उस क्वेश्चन में पहला है मानव भूगोल। क्या जी है? मानव भूगोल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है? इरेटोस्थनीज को। किसे? इरेटोस्थनीज को। आप जानेंगे पहले, सबसे पहले कि सर भूगोल कहा जाता है किसको? जैसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है भारतीय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है याद रखिएगा? भूगोल की वह शाखा, माने भूगोल की वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। कौची कौची का ज्ञान होना चाहिए? भूगोल की वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी परत, माने ऊपरी पृथ्वी के जो ऊपरी स्वरूप है, और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे, होगा प्राकृतिक विभागों जैसे माने पहाड़ हो गया, महादेश हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गया, वन हो गया, इस सारी चीज को बारे में बताता है, ज्ञान बताता है। इसके बारे में ज्ञान हम लोग का अध्ययन करने का मौका मिलता है, उसी को कहा जाता है क्या चीज? भूगोल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते थे भूगोल जो होता है, यानी भू मान पृथ्वी गोल को भूगोल कहा जाता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको यही याद रखना है भूगोल कई भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आखिर किसको कहते हैं? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक भूगोलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं, चाहे भौतिक भूगोल भी कहते हैं। यानी जैसे मैं पर्वत के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, जंगली के बारे में, जीव जंतु के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वायुमंडल के बारे में, इस सारी चीज के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। मैंने भौतिक के मतलब बतावे किए थे कि जो भी प्रकृति के अंतर्गत दिया गया है, पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, तमाम ऐसे चीजें, और उसको बारे में हम अच्छा से अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? भौतिक भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल की अगर कहा जाता है, मानव भूगोल एक बार नहीं, मानव भूगोल पर समझिए चैप्टरे चल रहा है, आपके चैप्टरे के नाम है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में जानेंगे कि सबसे ज्यादा मानव भूगोल के बारे में अच्छा से समझेंगे कि मानव भूगोल आखिर है क्या। भूगोल की वह धरातल, मतलब भूगोल की वह धरातल जिसमें मानव जनित भूदृश्य, मानव जनित भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, ये सारी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। भूगोल की वह धरातल जिसमें मानव जनित भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। जैसे में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, ये सब कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। इसलिए मानव भूगोल को इसको धरातल के बारे में सदृश किया है और अध्ययन किया है। रैटजल एक वैज्ञानिक का नाम था जो परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछता है। रैटजल माने रैटजल का क्या कथन है? ठीक है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन कराता है। ये कौन बोला था? रैटजेल ने, है कि नहीं? यानी ये भी परीक्षा पूछ सकता है कि मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच को संबंधों को अध्ययन किया था, तो किसने किया था? तो उसका नाम था रैटजेल। कौन? रैटजेल। और एक लड़की का नाम था कुमारी एलेन सैंपल। कुछ नाम था? कुमारी एलेन सैंपल। ये क्या बोली थी से सूची? ये बोली थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। सोच लीजिए, यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन के बारे में बताया था। कौन? कुमारी एलेन सैंपल। कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जो क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। ये कौन बोला था? और एक और था पॉल बिडाल डीला ब्लास। ये जो बोला था कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के बारे में बताया था। उनका क्या चीज नाम था?
पॉल बिडाल डी ब्लास, यानी पृथ्वी को नियंत्रण और भौतिक नियमों के बारे में रहने के वाले जीवों को मन संबंधों को जो बीच में जो रिश्ता है उसी के बारे में बताया था। उसे क्या कहा गया, उसे किसने बोला था? पॉल बिडाल ब्लास। तो परीक्षा ब्लास से पूछ सकता है कि ब्लास ब्लास के गुण क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के नियंत्रण करने के बारे में और भौतिक नियमों के बारे में उन्होंने बताया है कि मध्य इसको जो दोनों को जो अधिक संश्लेषित करने के बारे में बताया है, तो उनका नाम था ब्लास। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।